बिहार के जमुई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ किन्नरों ने दो पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर थाने से पुलिस फोर्स पहुंची। पता चला कि बंधक बनाए गए दोनों पुलिसकर्मी गंदे इरादे से किन्नरों के घर में घुसे थे। इससे आक्रोशित किन्नरों ने इन्हें बंधक बना लिया और खुद ही पुलिस को सूचित किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि थोड़ी देर तक समझाने बुझाने के बाद किन्नर शांत हुए और बंधक बनाए पुलिसकर्मियों को छोड़ दिया। मामला जमुई के चित्तोचक क्षेत्र का है। किन्नरों के मुताबिक झाझा थाने में तैनात दो पुलिसकर्मी पिछले दो तीन दिनों से शाम ढलते ही किन्नरों के घर के आगे पीछे मंडराने लगते थे। इसी बीच मंगलवार की देर शाम इन पुलिसकर्मियों ने एक किन्नर को पकड़ लिया और उसे जबरन घर में ले जाकर बदसलूकी करने लगी। किन्नरों ने इसका विरोध किया तो आरोपी पुलिसकर्मियों ने कुछ पैसे भी ऑफर किए। देखिए बदतमीजी गिरी की दोनों मिल के देखिए मेरे लोग चाहते उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और जाके कहीं वो जो भी रहे हाँ उसका नौकरी सरकार से ही है बन हो जाए। बस का है आज मेरे लोग का साथ में किसे अगला किन्नर का भी साथ में कर सकता का है। मेरे लोग सेक्स करने के लिए नहीं है, लोग दुआ आशीर्वाद देते हैं। तो इस बात की जानकारी अन्य किन्नरों को हुई तो सभी एकजुट हो गए और पुलिस कर्मियों को घेर लिया। हालांकि इस बीच दोनों पुलिसकर्मी मौका देखकर भागने लगे। एक ने कुएं में छलांग लगा दी, हालांकि किन्नरों ने उसे निकालकर कमरे में बंद किया और फिर दूसरे पुलिसकर्मी को भी कमरे में बंद कर थाने में सूचना दी। आप देख सकते हैं कहां है, कौन है आप लोग, कौन है, कहां है भाग रहा है? थाना फोन करो। अरे कहां है भाग रहे हैं आप बताइए? रास्ता भुला गिर गए थे, रास्ता भुला नहीं आप लोग। रुके थाना फोन करते हैं। क्यों बना हुआ है? बैठ देसु साहब को फोन करो, देसु फोन। इस सूचना के बाद मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल पहुंची और आक्रोशित किन्नरों को समझा बुझाकर पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया गया। किन्नरों ने पुलिस में दिए शिकायत में बताया कि दोनों पुलिसकर्मी किन्नरों से शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। विरोध करने पर खुद को पुलिस में होने का धौंस जमाया और बदसलूकी की। सूचना मिलने पर महकमे के आला अधिकारियों ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जमुई से TV9 के लिए गौतम की रिपोर्ट।